दोस्तों मलकापुर सिटी में एंटर हो गए हम लोग और जा रहे हैं मलकापुर गुरुद्वारा साहब, क्योंकि सुना है काफ़ी शानदार गुरुद्वारा साहब है और लंगर वगैरह भी बहुत बढ़िया चलता है यहाँ पर। क्या लंगर तो बढ़िया ही होता है चाहे जैसा भी हो, हम लोगों को एक डेढ़ घंटा रेस्ट करना है, उसके लिए गुरुद्वारा से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। आज गूगल ने कसम खा ली है दोस्तों, सारी गलियाँ हम ही को दिखाएगा। चोपड़ा में भी ऐसी गलियों में ले गया जहाँ पुलिस वाले खड़े थे, जहाँ शायद जाना ही मना था, कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ पे। जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। देखो कितनी शानदार गली में आ चुके हम लोग, और वाहेगुरु ना करे आगे रास्ता बंद ना मिले हमको। चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं फिर समझते हैं। फाइनली गुरुद्वारे तक पहुँच गए हैं। वाह यार वाकई बड़ा शानदार बना हुआ। चलिए पहले पार्किंग वगैरह देखते हैं छाँव में, फिर समझते हैं आगे की कहानी। ये है मलकापुर का गुरुद्वारा साहेब। वहाँ पीछे उस हॉल के पीछे की तरफ लंगर हॉल है, वहाँ पर वॉशरूम थे जहाँ पर गए हम लोग, थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, बढ़िया हाथ मुँह धो के लंगर खा के वापस आ गए हैं। बाइक्स को जिस तरह से सामान बिखेर दिया है, मतलब जितना बिखेर सकते थे, शूज़, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट सब कुछ रिमूव कर दिया है, और थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं 20-25 मिनट का। तरन और ऋषि गए हैं लंगर छकने, वो लंगर छक कर आएंगे, उसके बाद में फिर से गैरअप होंगे, सब कुछ फिर से पैक करेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से नांदेड़ के लिए। तकरीबन 325 किलोमीटर बाकी है अभी नांदेड़ में, भी 6-7 घंटे लगना है। देखो कब पहुँचते हैं, कंप्लीट तो करना ही है इस जर्नी को आज, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जो चलते चलते बता दूंगा मैं। फिलहाल ये कुछ नज़ारा है, राइडिंग पैंट जैकेट खुला पड़ा है पूरा मामला, और ये कुछ अपने हरियाणा वाले भाई भी आ रखे हैं, मतलब आए हुए हैं। ये लैंग्वेज हमारे निमाड़ तरफ के आ गई है थोड़ी सी। चलिए ऋषि और तरन आते हैं, तब तक रेस्ट कर लेते हैं। गया ड्रोन शॉट हो गया, और ये अपने बाबा जी मिले थे, इनसे भी बातचीत हो गई। ये भी जा रहे हैं ट्रक से, चली है पूरी संगत हजूर साहब। ये कल पहुंचेंगे बाबा जी, कल पहुंचना, आज ही पहुंचना, देखेंगे आज ही पहुंच गए नहीं तेरे से पहुंचेंगे। हाँ जी हाँ जी, वो जो होना वाला तो परसों है ना। चलो भैया, चलो बाबा जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो भाई लोग चालू करें, चलो ठीक खुश। चलो दोस्तों अब हमारा टारगेट है नांदेड़ महाराष्ट्र, जो है 7 घंटा 4 मिनट, मतलब अगर गूगल के हिसाब से देखा जाए तो रात को 12 बजे पहुंचेंगे हम। ये वाकई में बहुत बहुत गंदी स्पीड है हमारी, पर अब क्या करें, गर्मी में हो जाता है यार, बार बार ब्रेक लगता है, पानी लगता है, जूस लगता है, खाना लगता है, और भी बहुत कुछ लगता है, सब कुछ लगता है। तो अभी हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से तो मलकापुर से बाहर निकल के एक बार फिर हो चुका है सफ़र शुरू। गूगल हमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं रूट के, और हम तीनों छोड़कर एक चौथे रूट पर जा रहे हैं, जो ऑप्शन हमें मेरे बड़े भाई ने दिया है, क्योंकि वो इस रूट से 2-3 बार आना जाना कर चुके हैं। शॉर्ट भी है, रोड भी अच्छा है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। शाम भी होने को आई है, दिन भी ख़त्म होने को आया है, हमारी बाइक में फ्यूल भी, यार कभी कभी हमारी बाइक भी ना धोखा दे देती है, एकदम से 4 पॉइंट बताती है, फिर एकदम 2 बता देती है, फिर एकदम से 0 बता देती है। अब पिछले 10 किलोमीटर से एम्प्टी फ्यूल का इंडिकेशन आ रहा है, एम्प्टी बिल्कुल खाली, और हम लोग चले जा रहे हैं, देख रहे हैं पंप आ जाए। अभी एक भाई से पूछा था तो बोले 2-3 किलोमीटर के बाद है, गूगल पे तो बता नहीं रहा है। मेरा ठीक है, मिल गया हमको पेट्रोल पंप, मिल गया हमको पेट्रोल पंप, मिल गया ओ, ओ, फुल कर दो, ओ, ओ, फुल कर दो, आ जाएगा अब तो ठीक है।
एकदम फुल। पहले का था ना भाई, अभी हो गया है फुल। अपना 1100 रुपए का फ्यूल आया है बाइक में। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, सुबह काम आया था मेरे, उसमें भी पहले था ना हाफ टैंक मेरे पास। पेट्रोल हो चुका है फुल दोस्तों, निकल रहे हैं अब। अब हम लोग थोड़ी देर बाद मिलेंगे, क्योंकि अब जो उजाले उजाले का 1.5 घंटा बचा है, मतलब रोशनी का, सूरज ढलने में जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने की कोशिश होगी। और अब इसके बाद जो हमारी जर्नी है अंदर तक की, वो आप बहुत शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि अंदर आने के बाद तो कुछ दिखाने के लिए बचता नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था में भी आती है संगत। ये नांदेड़ जा रही संगत ही है, तखत श्री हजूर साहब। ये दो पार्टीशन कर दिए, ऊपर जेंट्स बैठे हैं, नीचे लेडीज बैठी हैं। बड़ा मज़ा आता होगा इसमें, है कि नहीं? बड़ा बढ़िया है, ऐसे भी यात्रा करने का मज़ा है यार, कसम से। मतलब मौज आनी चाहिए, असल बाइक हो या कुछ भी हो, ना आदमी को मज़ा आना चाहिए। चलो एक बात और अच्छी हो गई दोस्तों, कि ये जो घाट सेक्शन है, मतलब जो शुरू हुआ है, ये उजाले उजाले में पार हो जाएगा। इसके दो कारण, एक तो थोड़ा कुछ देखने के लिए नज़ारे अच्छे लगते हैं, बाइक चलाने में मज़ा आता है, और दूसरा कारण ये हो जाता है कि लोग साइकिल चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सेफ हो जाता है उजाले में। लोकेशन शानदार है, उधर सनसेट हो रहा है तो ड्रोन शॉट बनता है। ड्रोन शॉट हो गया है डन, और ड्रोन हो गया है पैक। मैंने सोचा थोड़ी सी लाइट बची है तो उसका सदुपयोग कर लिया जाए। एक अनोखी बात, सूरज चाचू उधर से गए नहीं कि चंदा मामा आ चुके हैं, मतलब ड्यूटी पे टाइम पे दोनों बिल्कुल। चलो अब हम हैं, रास्ता है और रात है तो देना है मिला के, और क्या। चलो ऋषि पायरो लेके आया था ड्रोन शॉट में, हमने देखा होगा, अल्टीमेट लग रही थी सच में, मुझे बताया नहीं इसने। चलो सर, गजब है यार, 60 साल की एज है, साइकिलिंग कर रहे हैं, और जो घाट अभी हम बाइक से चढ़ के आए हैं पूरा साइकिल से, वो डेली प्रैक्टिस में रखे हुए हैं। तो इतनी फिटनेस तो चाहिए आदमी को, एक अच्छी ज़िंदगी जीना है तो। और लोगों को हमारा बाइक चलाना ही बहुत बड़ी बात लगता है, मुझे उनका साइकिल चलाना बड़ा लगा यार। खैर अभी हिंगोली का मैप अपडेट कर दिया है, हिंगोली से हम लोग नांदेड़ जाएंगे, करीब 3 घंटे का रास्ता बाकी है। दिन में बहुत ही आराम से चल रही है, ज़्यादा ही टाइम पास कर लिया। खैर ठीक है, जैसा भी है ठीक है, जो जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, यही सच है। तो अभी जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं अब सीधे नांदेड़ में। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों अपनी मंजिल के बेहद पास, तखत श्री अबचल नगर हजूर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से संबंधित एक बहुत खास जगह, और सिखों के 5वें सबसे बड़े तीर्थ के बिल्कुल पास। अब जाएंगे सराय में लेना, हाँ राइट ले, क्योंकि सराय में रूम लेना इसलिए ज़रूरी दोस्तों कि सराय में रूम लिया तो यहीं पर रहेंगे, अगर कहीं होटल में रूम लिया तो फिर दूर जाके बैठ जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो अभी सराय में रूम लेना भी अपने आप में एक जंग है, तो अभी जाएंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर लाखों की तादाद में संगत आती है, सबको रूम देना पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ अ चैलेंज। ये हमारी सराय है, चलिए रूम की जुगाड़ कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा रूम। आप सोच रहे होंगे रात को आए थे, सुबह का सीन आ गया और ये बैगेज वगैरह भी खोले नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पैक हो चुके हैं वापस घर जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बैग पैक हो चुके हैं वापस घर जाने के लिए, इसका मतलब ये कि आज हमारी राइड का है 4th दिन, और पहले वीडियो का एंड में अब जाके शूट कर रहा हूँ हमारी बड़वानी से नांदेड़ की राइड का। ऐसा इसलिए है कि रूम वगैरह को लेके उस रात हम लोग बहुत परेशान हुए, जिस दिन हम लोग आए थे एक रूम मिला कुछ घंटों के लिए, सुबह उसे खाली करना पड़ा, फिर ये वाला रूम मिला, इसको मिलने में भी बहुत परेशानी हुई,
उसके बाद जब रूम में आए तो थक इतना गए कि सो गए, तो वो दिन पूरा सोने में निकाल दिया। कल इतना ज़्यादा बिजी थे, होला महल्ला का जो त्यौहार हम लोगों ने मनाया कि वीडियो एंड शूट नहीं कर पाया पहले वीडियो का जो अब हो रहा है। आई होप आप लोगों को हमारी ये बड़वानी से नांदेड़ की राइड पसंद आई होगी। इससे आगे का सफ़र, आगे का धमाल, आगे का कमाल, आगे का होला महल्ला का हमारा त्यौहार आने वाले वीडियो में आप देखेंगे, दूसरे वीडियो में। अभी यहाँ से निकलेंगे वापस घर के लिए। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा हमारी नांदेड़ राइड का, जो आप आने वाले समय में देखने जाएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर याद दिला दूँ, लाइक बटन दबा देना और कमेंट कर देना। अभी के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा।